अब ये बताओ कैनम जी, जब आदमी दुआ में लगे हुए हैं तो ऐसा करेगा मुसलमान? गुनाहगारों को पकड़ कर नाम कमाओ, ऐसे बेगुनाहों को पकड़ कर नाम न मिलता। और मैं समझता हूँ कि वो अदालत हमारे हक में इसका फैसला देगी, क्योंकि हमारा बच्चा बहुत खूबसूरत है। In the aftermath of the Bulandshahr clashes, the police arrested Nadeem, Kala and Rais for alleged cow slaughter on 18 December. However, these three people were not named in the original FIR. They were also not the first ones to be arrested for the crime. Based on Bajrang Dal leader Yogesh Raj's complaint, there were four men who were arrested for the crime, but they were given a clean chit by the police after they were arrested for 16 days. Now, who are these three new people who have been arrested by the police? वो बोले कि इस गाड़ी में जो आदमी उन्हें बरामद हुए रास्ते में कहीं पे बैठे हमारे यहाँ पे, वहाँ पे थाने से मात्र 700-800 मीटर समथिंग, एक किलोमीटर की समथिंग होगी, कि वहाँ पे ये खड़े हुए थे और हमने जाके इनको पकड़ लिया और एक जना इनका उतर के भाग गया। ये गाड़ी बंदूक लेके सब खड़े हुए, गाड़ी वो अब तक भी स्टार्ट नहीं है और वो कह रहे कि हम वहाँ से पकड़ के लाए हैं। आज भी जो आप मुझसे बात कर रहे हो अभी भी वो गाड़ी आपको स्टार्ट नहीं मिलेगी, ये चैलेंज है मेरा। नदीम जी के पास लाइसेंस काफ़ी पुराना है, वो शूटिंग भी खेलते हैं, एक दो दफ़ा खेले हैं, यूपी लेवल खेल चुके हैं, और बंदूक होना तो कोई बुरी बात नहीं है, बहुत लोगों के पास बंदूकें होती हैं। बस अब जब बच्चे सवाल कर देते हैं तो कह देता हूँ कि शूटिंग में भाई आ जाएंगे, पहले बिता देते हैं 10-10, 20-20 रोज में, अभी चल रही है, जब आ जाएंगे जब वो पूरी हो जाएगी। Not too far from here, we went and met Kala's family, who say that he was not even in Bulandshahr for the last 5.5 months. ये तो पुलिस को सोचना चाहिए, जबकि कोई इंसान तड़ी पा रहा है और ना ही हमारे घर से कोई चीज़ उन्हें बरामद हुई है, क्योंकि जब हमारे ये काम होता ही नहीं है, छोड़ दिया गया है काफ़ी टाइम से, तो फिर पुलिस को हम पे शक करने का क्या? आपका ये शॉप बंद हो गया था? वो तो कई सालों से, कितनी साल हो गई, कम से कम करीबन 6-7 साल हो गई छोड़े हुए, लेकिन पुलिस को तो कुछ सूझ ही ना रहा। बार बार हमें खुद परेशान करने आ रही है पुलिस, छोटे भाई का नाम बताओ, उससे बड़े का नाम बताओ, कितनी उम्र है, ये सब क्यों कर रही है हमारे साथ। The third accused is Rais. His family lives in a home which has plastic sheets for roofs. His wife is convinced that he's been wrongly accused. जो भी पुलिस वाले से कह रहा है ना कि उसको उठाओ, सभी को एक दोहरे से उठा रहे, इतना मुसलमान आदमी उठ गया कि बहुत बेतुका ये आलम हो रहा है यहाँ। वो केस मुसलमानों पे क्यों डल रहा है बताओ, जो मुसलमान बेगुनाह है और मजदूर लोग अपने घर पर कमा रहे हैं, खा रहे हैं, दिन से घर पर आकर लेट जावे, तो इसमें मुसलमानों की गलती है? घर कैसे चला रहे हैं? हमारे ससुर हैं ये, हैं देखो रिक्शा चला रहे हैं, ये बूढ़े आदमी हैं, बताओ ये बूढ़े इंसान हैं, ये बताओ कब तक खिलाएंगे मुझे? हैं बस हमें पता कैसे झेल रहे हैं, बच्चे भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, उधर रो रहे हैं रोटी के मारे। Now while the police maintains that they have evidence against the accused, the family is making their own claims. All eyes now will be on the court trial, where the court will deliberate whether they are innocent or culprits. मुस्तबल के पुलिस वालों ने ये कहा जब मैं उठ गया कि चाचा आप आराम करिए, मैंने कहा मेरे आराम को तो आप ले जा रहे हैं, मैं कैसे आराम करूं?